नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए आज के दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं इसके बारे में जानते हैं। आज 28 फरवरी है और आज के दिन हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इसे सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि 28 फरवरी 1928 को हमारे भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जो कि भौतिक विज्ञान की एक बहुत प्रमुख खोज थी। इसके लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो उस दिन को याद करने के लिए इस दिन को भारत में साइंस डे के रूप में मनाते हैं, विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के ही दिन आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की डेथ एनिवर्सरी को भी मनाते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि वे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, साहसी थे और उन्होंने देश की कमान सबसे पहले संभाली राष्ट्रपति बनकर के, इसलिए उन्हें आज हम श्रद्धांजलि देते हैं, सशत नमन करते हैं। आज के मोटिवेशनल टॉक में हम बात करेंगे कि दुनिया में व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, व्यक्ति अपनी दुखों से परेशान नहीं है, व्यक्ति दूसरों के सुख से परेशान है। व्यक्ति दूसरों के सुखों को देख करके वो कैसे इतना स्वस्थ है, कैसे वो इतना खुश रहता है, कैसे उसने अपने काम का मैनेज करता है, कैसे वो अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है, कैसे वो इतना आगे जा रहा है, कैसे उसके लोग उसके साथ रह रहे हैं, कैसे लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसको बहुत खटकती रहती है। इसलिए वो अपने दुखों से नहीं, दूसरों के सुखों से परेशान रहता है। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहेंगे तो आप भी अपने लिए सुखमय जीवन प्राप्त करेंगे और दूसरों के सुख को देख करके दुखी नहीं होंगे। इसलिए दूसरों के सुखों को देख कर दुखी मत होइए, आप अपने लिए सुखमय जीवन अर्पित कीजिए, अर्जित कीजिए, तभी आप इस जीवन के जीने की कला को सीख पाएंगे। अन्यथा आप दूसरों के चक्कर में पड़े रहेंगे तो चक्कर खाते ही रहेंगे। दोस्तों, मोटिवेशनल टॉक देखते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी। धन्यवाद।